दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें। इसमें प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेएम जस्ट वन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर टी और जेएम जस्ट वन के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरोहन के वीडियोज के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। आपको प्राइस रखा गया है यहाँ पे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल बात है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट्स फाइंड द रॉन्ग वन, यानी जो गलत है आपको वो पता करना है। बाकी तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन है, द अकाउंट शैल रिमेन ऑपरेशनल इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रोवाइडेड अकाउंट होल्डर अप्लाइज फर्निसेज एविडेंस ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर एनी वन ऑफ द ओवीडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द शेयर्ड अकाउंट। बोलता है कि जो अकाउंट ओपन किया गया है वो ऑपरेशनल होना चाहिए शुरू के 12 महीने के लिए, और उसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगला 12 महीना के लिए। जहाँ पे अकाउंट होल्डर को ये डिटेल्स दिखानी होंगी, प्रमाण दिखाना होगा, एविडेंस दिखाना होगा कि भाई आपने कोई भी एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है इस पिछले 12 महीने में। बी ऑप्शन है, द इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल सेल बी अलाउड टू ओपन अ स्मॉल अकाउंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड एफिक्सेशन ऑफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोवाइडेड बाई द ब्रांच ऑफिशियल। बोलते इंडिविजुअल को अलाउ किया गया कि ओपन कर सकते हैं, बस स्मॉल अकाउंट या प्रोडक्शन करना होगा, आपको दिखाना होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अटेस्टेड और फिक्स किया जाएगा सिग्नेचर या थंब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो ब्रांच ऑफिसर आपको देगा। सी ऑप्शन है, एन इंडिविजुअल सेल बी अलाउड टू ओपन अ स्मॉल अकाउंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड एफिक्सेशन ऑफ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोवाइड बाय द ब्रांच ऑफिशियल अलॉन्ग विद द रेसिडेंशियल प्रूफ। बोलता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसे अलाउ किया गया है कि आप ओपन कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट जहाँ प्रोडक्शन करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको लगाने करने होंगे या थंब इम्प्रेशन करने होंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो ब्रांच ऑफिशियल आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ आपको रेसिडेंस का भी प्रूफ दिखाना होगा। डी ऑप्शन है, CBWT नॉट अलाउड इन द अकाउंट, CBWT अलाउड नहीं किया गया है इस अकाउंट में। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है वो आपको पता करना है, बोलना है। तो जो स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है इसमें गलत ऑप्शन क्या है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है, द अकाउंट को ऑपरेशन रखा गया शुरू के 12 महीने के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया है अगले 12 महीने के लिए, जहां अकाउंट होल्डर आपको अप्लाई करता है, फर्निश करता है एविडेंस जो कि अप्लाई किया जाएगा किसी भी ओबीडी के लिए, ठीक है, 12 महीने में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से। यानी यहाँ बोल रहा है कि जो ए ऑप्शन है कि आपका अकाउंट ऑपरेशन होना चाहिए शुरू के 12 महीने के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगले 12 महीने के लिए, जहाँ पे अकाउंट होल्डर जो होगा वो अप्लाई किया होना चाहिए और इसका साक्ष्य या प्रमाण या एविडेंस आपको दिखाना होगा, अकाउंट ओपनिंग दिखाना होगा कि आपने कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट यानी ओबीडी को पिछले 12 महीने अप्लाई किया हुआ जब से अकाउंट खुला है। बी ऑप्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका एक सही ऑप्शन, इसमें कोई गलत नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल को अलाउ किया गया स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना होगा और सिग्नेचर करनी होगी, थंब इम्प्रेशन करना होगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो ब्रांच ऑफिसर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी बात सही है आपकी। सी ऑप्शन में क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अलाउ किया गया ओपन करने के लिए स्मॉल अकाउंट जब प्रोडक्शन किया जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर फिक्स किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगाया जाएगा, ठीक है, जो ब्रांच ऑफिसर आपको देगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विथ, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसके साथ साथ रेसिडेंशियल प्रूफ भी देना होगा। तो हालांकि कोई रेसिडेंशियल प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है स्मॉल अकाउंट में, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि CBWT अलाउड नहीं है, ये भी बात सही है, यानी टैक्स, ठीक है, टैक्स इसमें अलाउड, इनकम टैक्स का इसमें कोई रोल नहीं है बेसिकली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर टू, डीम्ड ओवीडी सेल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स एंड लिमिटेड पर्पस वेयर ओवीडी डज नॉट हैव अपडेटेड एड्रेस फाइंड द रॉन्ग वन, ठीक है।
बोलता है कि जो ओबीडी माना जाता है वो वैलिड होगा 3 महीने के लिए लिमिटेड पर्पज के लिए, जहाँ ओबीडी के में किसी भी प्रकार का एड्रेस अपडेट नहीं है। तो इस केस में कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यूटिलिटी बिल्स, यहाँ देखिए यूटिलिटी बिल्स विच इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड, मोबाइल फोन बिल, पाइप्ड गैस, वाटर बिल। मतलब यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से पुराना नहीं है, ठीक है, यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड, मोबाइल फोन बिल, पाइप्ड गैस बिल, वाटर बिल का। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रॉपर्टी या फिर म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा पेंशन या गर्म फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, पीपीओ, इश्यूड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इफ दे कंटेन द एड्रेस। बोलता है कि जो पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होगा जो कि इशू किया जाता है रिटायर्ड एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा जहाँ पे एड्रेस होता है। डी ऑप्शन है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेचुरी और रेगुलेटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लिस्टेड कंपनीज एंड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विद सच एम्प्लॉयर्स अलॉटिंग द ऑफिशियल एकोमोडेशन। मतलब जो लेटर होता है एकोमोडेशन का, लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो होता है एकोमोडेशन का, एम्प्लॉयर्स जो कि इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेचुरी या रेगुलेटरी बॉडी जो होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, लिस्टेड कंपनीज का, जहाँ पे किसी प्रकार का जहाँ पे लीव या फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होते इस तरह का एम्प्लॉयर्स के साथ जहाँ अलॉट करता है ऑफिशियल एकोमोडेशन को। देखिए तो बोला 3 महीने से पुराना सभी चीज़ों में, जैसे यूटिलिटी बिल जो ए ऑप्शन बोल रहा है ये बात तो ठीक है, ठीक है, इसमें रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना है कि हर जगह आपको कहा, तो जैसे यूटिलिटी बिल 3 महीने से पुराना हम नहीं मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड बिल, मोबाइल बिल जो भी, तो इसका पर्पस बेसिकली लिमिटेड होता है, ठीक है। बट ये ऑप्शन बेसिकली 3 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने क्लॉज काम करेगा। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स में तो कोई ऐसा एड्रेस का इशू होता ही नहीं है, ठीक है, आप जब टैक्स भर रहे दैट मीन्स आप वहाँ पे एड्रेस तो 3 महीने का वैलिड, यानी 3 महीने का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो ये सही हो गया। फिर हो गया पेंशन, फैमिली पेंशन, आप जहाँ कहीं भी रिटायर भी होंगे तो उसी जगह पे उसी ब्रांच बहुत समय से आ रहा होगा, 3 महीने का कंसेप्ट यहाँ भी नहीं है। अब कोई एम्प्लॉयर को घर वर मिला होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 साल 3 साल का ट्रांसफर होता है तो उसको घर नया मिलता है, चाहे वो वहाँ पर ट्रांसफर होकर आता है, जो एम्प्लॉयर होगा जो भी कंपनी होगी उसको देती है रहने के लिए, तो कोई 1 2 महीने का तो देगी नहीं, तो ये भी सही हो गया आपका। तो गलत क्या है, हम लोग क्या चीज़ नहीं मानते हैं, यूटिलिटी बिल हम नहीं मानते 3 महीने से पुराना हमारे काम का वो नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वैलिड होगा 3 मंथ्स के लिए, ज्यादा समय के लिए वैलिड नहीं होता है, तो सही, यानी ये हो गया आपका गलत ऑप्शन, तो सही इसलिए हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ड्यू डेलीजेंस टू बी डन अंडर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ड्यू डेलीजेंस मीन्स फाइंड अ रॉन्ग वन। अब क्या बोल रहा है कि ड्यू डेलीजेंस हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में करते हैं, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या, उसमें गलत ऑप्शन क्या है आपको बता रहा है। ए ऑप्शन है मेकिंग रिजनेबल एफर्ट टू डिटरमाइन द ट्रू आइडेंटिटी एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ अकाउंट्स। मतलब हम रिजनेबल एफर्ट करते हैं जहाँ पता कर सके ट्रू आइडेंटिटी क्या है और बेनिफिशियल ओनरशिप कौन है अकाउंट का। बी ऑप्शन है नोइंग द करेक्ट लोकेशन, एड्रेस, नेचर ऑफ कस्टमर्स, बिजनेस, हमें जानना है कि करेक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ कस्टमर, बिजनेस क्या है। सी ऑप्शन है नोइंग हु आर योर कस्टमर्स, कस्टमर आपको जानना है कि आपके कस्टमर का कस्टमर कौन है। डी ऑप्शन नोइंग ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही हैं। देखिए जब ड्यू डिलीजेंस हम करते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है जो ए ऑप्शन है, बोलता है कि मैं रिजनेबल एफर्ट करते हैं जहाँ पता करना चाहते हैं कि ट्रू आइडेंटिटी और बेनिफिशियल ओनरशिप कौन है अकाउंट का, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा जहाँ बोलता है कि आप करेक्ट लोकेशन, एड्रेस, नेचर ऑफ कस्टमर, बिजनेस जानना चाहते हैं, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि कौन आपका कस्टमर का कस्टमर है, ये बात भी सही है। बी ऑप्शन में ऑल दैट यानी सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हु इज नॉट ए हाई रिस्क कस्टमर, हाई रिस्क कस्टमर इनमें से कौन नहीं है। ए ऑप्शन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट कस्टमर, सी ऑप्शन है शॉपिंग मॉल्स, ज्वेलर्स, पेट्रोल पंप्स, लिकर शॉप स्टोर्स, बी ऑप्शन है स्मॉल अकाउंट होल्डर। पूछ रहा कौन हाई रिस्क कस्टमर नहीं है। देखिए
तो आपका रजिस्ट्रेशन हाई रिस्क कस्टमर में आता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट कस्टमर भी हाई रिस्क कस्टमर में आता है, शॉपिंग मॉल्स भी हाई रिस्क कस्टमर में आएगा, ज्वेलर्स भी हाई रिस्क कस्टमर में आएगा, पेट्रोल पंप भी हाई रिस्क कस्टमर में आएगा, लिकर स्टोर्स भी हाई रिस्क कस्टमर में आएगा, कौन नहीं आएगा, स्मॉल अकाउंट होल्डर नहीं आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नॉट ए मीडियम रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर कौन नहीं है, ए ऑप्शन है एनबीएफसी, बी ऑप्शन है नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सी ऑप्शन है बिल्डर्स, डी ऑप्शन है स्टॉक ब्रोकर्स, सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे जो आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ये आपका HNI जिसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या पूछ रहा है, नॉट ए मीडियम रिस्क कस्टमर, ये क्या हो जाएगा, हाई रिस्क कस्टमर में हो जाएगा, ये आपका HNI जो होता है हाई रिस्क में आता है, ठीक है, बाकी सारे सब NBFC मीडियम रिस्क में है, बिल्डर्स मीडियम रिस्क में है, आपका स्टॉक ब्रोकर भी मीडियम रिस्क में है, तो HNI हाई रिस्क में आता है, इसलिए हम इसको बी ऑप्शन मारेंगे, ये मीडियम रिस्क कस्टमर में नहीं आता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु इज नॉट ए लो रिस्क कस्टमर, इनमें से लो रिस्क कस्टमर कौन सा नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन पीपल बिलोंगिंग टू लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी शोइंग ए स्मॉल बैलेंसेस, वैसे लोग जो कि लो इनकम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में आते हैं जिनका स्मॉल बैलेंस होता है, बी ऑप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, रेगुलेटर्स, स्टेचुरी बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हो गया, रेगुलेटर हो गया, स्टेचुरी बॉडीज हो गया, सी ऑप्शन नॉर्मल बिजनेस अकाउंट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर विथ लॉन्ग टर्म एंड एक्टिव बिजनेस रिलेशन, कस्टमर जो लॉन्ग टर्म और एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप है। देखिए पीपल जिस जो ये ऑप्शन बोल रहा है, जो ऐसे इंसान जो कि लो इनकम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में आते हैं, इनका स्मॉल बैलेंस होता है, ये सारे के सारे लोग लो रिस्क कस्टमर में कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ओन कंपनीज, रेगुलेटर, स्टेचुरी बॉडीज, सारे के सारे लो रिस्क कस्टमर है आपके, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस अकाउंट, ये लो रिस्क कस्टमर में नहीं आता है, ठीक है। फिर कस्टमर जो लॉन्ग टर्म और एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप है, इसको भी हम डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, ठीक है, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एज पर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी फाइंड अ रॉन्ग वन, आपको गलत ऑप्शन पता करना है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में, ऑप्शन है नॉट टू ओपन अकाउंट हु कैन नॉट सबमिट KYC डॉक्यूमेंट, आपको अकाउंट ओपन नहीं करने जो KYC डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर सकता है, बी ऑप्शन है ऑक्यूपेशन कोड फील्ड मेड मैंडेटरी इन द सिस्टम, ऑक्यूपेशन कोड का फील्ड मैंडेटरी है सिस्टम में, सी ऑप्शन है ब्रांच शुड प्रिपेयर ए प्रोफाइल फॉर ईच कस्टमर बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगराइजेशन, तो ब्रांच को क्या करना होगा, एक प्रोफाइल बनाना होगा हर एक कस्टमर का बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगराइजेशन पे, बी ऑप्शन नॉट टू ओपन अकाउंट इन फिक्टिशियस मैनर, फिक्टिशियस मैनर में आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो सही ऑप्शन क्या वो पूछ रहा है, जो एज पर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, जो गलत ऑप्शन है आपको वो बताने, सारे ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन गलत है, बोलता है कि आप अकाउंट ओपन नहीं करेंगे जो सबमिट नहीं कर पा रहा है KYC का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये अगर कोई आदमी KYC का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा है तो क्या आप अकाउंट ओपन नहीं करेंगे उसका, नहीं है, आप करेंगे अकाउंट ओपन, बिल्कुल करेंगे, आप उसके लिए स्मॉल सेविंग अकाउंट है, उसके लिए स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट तो है ही, उसको खोल सकते हैं, ये हो गया आपका गलत, ठीक है। बी ऑप्शन बोलता है कि ऑक्यूपेशन कोड मैंडेटरी सिस्टम में, बात सही है, फिर बोलता है ब्रांच को प्रोफाइल प्रिपेयर करना पड़ेगा हर एक कस्टमर का रिस्क बेस्ड ऑन कैटेगरी पे, ये बात भी सही है, कोई फिक्टिशियस नाम पे अकाउंट नहीं ओपन होता, ये बात भी सही है, तो गलत हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, विच वन नॉट कम्स अंडर द की एलिमेंट ऑफ KYC स्टैंडर्ड, इनमें से कौन सा की एलिमेंट ऑफ KYC स्टैंडर्ड में नहीं आता है, ए ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, बी ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सी ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ देखिए KYC स्टैंडर्ड में आपको कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी है, बट आपका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ KYC डॉक्यूमेंट नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक्स आर एक्सपोज्ड टू द फॉलोइंग रिस्क इफ KYC नॉर्म्स नॉट फॉलोड,
फॉलोड, बैंक को बैंक यहाँ एक्सपोज किया गया उसको जहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स नहीं फॉलो किया गया है, इसमें से गलत ऑप्शन आप पता करें। ये ऑप्शन ऑपरेशन रिस्क भी, ऑप्शन फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्शन लीगल रिस्क, ऑप्शन कंप्लायंस रिस्क। तो बैंक एक्सपोज है किस तरह के रिस्क में जहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स नहीं फॉलो होता है, तो गलत ऑप्शन बताना है आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक तरह का आपका ठीक है नॉट फॉलोड है तो रॉन्ग ऑप्शन बताना है। ठीक है, यानी इसमें से वो गलत है, यानी केवाईसी नॉर्म्स नहीं फॉलो किया तो उस तरह का रिस्क होगी, और इसमें से गलत रिस्क आप मतलब गलत बताना है जो बेसिकली रिस्क नहीं है। ठीक है, अब जैसे ऑपरेशन रिस्क बिल्कुल एक तरह का ऑपरेशन रिस्क क्रिएट करता तो सही है, फाइनेंशियल रिस्क किसी प्रकार का नहीं होता, लीगल रिस्क हो जाता है, कंप्लायंस का भी रिस्क हो जाता है, केवाईसी नॉर्म करने फाइनेंशियल रिस्क कुछ नहीं है। ठीक है, बट ऑपरेशन रिस्क, लीगल रिस्क और कंप्लायंस रिस्क हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अटेम्प्टिंग टू हैक आधार डेटा इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश में बी अवार्डेड फाइंड द करेक्ट वन। ये सही ऑप्शन आपको बोल रहा है चुनने के लिए, बोलता है अगर आप हैक करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं करने का आधार डेटा का, तो जेल हो सकता है कितने समय के लिए, ये सवाल। ए ऑप्शन है 7 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10 ईयर्स। यह हमारे पास एस बी आई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेएमजेएस वन के लिए कोर्स कंटेंट हमारे पास है, जो कि प्योरली फॉर एस बी आई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया गया है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आर ओन के वीडियोज का डिस्कशन हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोज हो जाएगा, 3 हज़ार सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया आपका 2,000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685827, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, थैंक यू वेरी मच।